नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक और 71 से लेकर 73, 123 संबंधित है राष्ट्रपति से। तो संसदीय प्रणाली में दो तरह के प्रमुख होते हैं, ठीक है, राज्यों का प्रमुख और शासन का प्रमुख। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, अतः यहाँ दो तरह के प्रावधान हैं। राष्ट्रपति राज्यों का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होता है। भारत के संविधान में के अनुसार 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अर्थात वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें हम, तो राष्ट्रपति के चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें, ठीक है, जो नॉमिनेट होते हैं मेंबर वो भाग नहीं लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकमरणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या के अनुसार एक रूपता होगी। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक, वह लोकसभा का सदस्य चुनने जाने की योग्यता रखता हो, वह संघ या राज्य या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ पद पर कार्यरत ना हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्रियों के लिए चुनाव लड़ने से पूर्व त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। उससे निर्वाचक मंडल कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित एवं 50 अन्य मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। यहाँ दोस्तों बता दें आपको कि 50 मेंबरों को उसे नॉमिनेट करना चाहिए, नामित मतलब, और 50 अन्य 50 द्वारा समर्थित, तभी वो इसमें भाग ले सकता है इस चुनाव में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की जांच और विनिश्चय अनुच्छेद 71 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यहाँ आपको बता दें इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में से संबंधित कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय। निर्वाचन को सिर्फ निर्वाचक या प्रत्याशी ही चुनौती दे सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा सभी अवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्य अमान्य होंगे। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जो पद शक्तियों के प्रयोग किए गए थे वो सभी अमान्य होंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया देख लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया देख लेते हैं, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश की हो सकता है। महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का नोटिस इस सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा
14 दिन पहले देना जरूरी होता है। महाभियोग की प्रक्रिया चालू होने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा इससे संबंधित। राष्ट्रपति की पदावधि देख लेते हैं। कार्यकाल, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसके द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, किंतु किसी कारण से ऐसा संभव ना हो तो वर्तमान राष्ट्रपति तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि चुनाव नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव, उसकी बात करें वेतन की, तो अब 5 लाख हो गई। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, और उपराष्ट्रपति का 4 है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है, याद रखिए, संसद के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। सत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई थी कि निर्वाचक मंडल में किसी स्थान के रिक्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाता है, और जो भागफल होता है उसे 1000 से विभाजित किया जाता है। ऐसा करने के बाद जो अंतिम भागफल आता है वह प्रत्येक विधायक का मत मूल्य होता है। तो याद रखिए, उस राज्य का, जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालना है तो उसकी टोटल संख्या में टोटल चुने गए मेंबरों से भाग देकर और पुनः फिर जितना भागफल बचेगा उसमें पुनः 1000 से भाग देकर जितना मत भागफल आएगा वह प्रत्येक विधायक का मत मूल्य होगा। पूरे भारत की समस्त विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित करने के बाद जो भागफल आता है वह प्रत्येक संसद सदस्यों के मत का मूल्य होगा। संसद के मत का मूल्य निकाला जाता है निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या और फिर भाग दे देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। राष्ट्रपति चुनाव में एक बार को छोड़कर सभी बार प्रथम गणना में ही निर्धारित संख्या उम्मीदवार ने प्राप्त कर ली। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में पहली और अंतिम बार दूसरे दौर की मतगणना करनी पड़ी थी, जब दूसरे के बाद ही बीवी गिरी ने निर्धारित कोटे को प्राप्त किया था। राष्ट्रपति की शक्तियां देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां, संविधान में राष्ट्रपति के अनेक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से शक्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जाता है: विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। तो विधायी, कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ तथा आपातकालीन शक्ति। भारत की संघ की सभी कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की मदद से राष्ट्रपति इनके कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। इनके कार्यों का बंटवारा अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति ही करते हैं।
व्यवहार में सलाह प्रधानमंत्री देते हैं कि कार का बंटवारा कैसे हो। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा संघ प्रशासन व्यवस्थापन संबंधी प्रस्तावों की सूचना दे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी ऐसे मामले पर विचार करने के लिए कह सकते हैं जिसके बारे में किसी मंत्री ने घोषणा की हो परंतु मंत्रिमंडल ने विचार ना किया हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों, राज्यपालों, विदेशों में राजदूतों, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति व सदस्यों, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब अभी तक के भारत के राष्ट्रपति देख लेते हैं, शुरू से लेकर अभी तक उनका कार्यकाल कैसा रहा वो भी देख लेते। राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म हुआ था 1884 में और इनकी मृत्यु हुई 1963 में। इनका कार्यकाल रहा है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। फिर दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म हुआ था 1888 में और इनकी मृत्यु हुई 1975 में। इनका कार्यकाल है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। फिर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जन्म हुआ 1897 और 1969 तक में ये मृत्यु हो गई थी इनकी। ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति रहे। फिर हैं वीवी गिरी, वेंकट गिरी, ये कार्यवाहक रहे। इनकी 84 में 1884 में जन्म हुआ और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। फिर रहे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, 1905 में इनकी जन्म हुआ, 1992 में मृत्यु। ये कार्यवाहक भी थे राष्ट्रपति। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे। बारह बारह गिरी, वेंकट गिरी, इनका कार्यकाल रहा है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फखरुद्दीन अली अहमद, 1905 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु हुई। इनका कार्यकाल रहा है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1970 तक। बी डी जत्ती, ये कार्यवाहक थे। इनका 11 फरवरी 1970 से जुलाई 25 जुलाई 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर अपने नीलम संजीव रेड्डी, इनका जन्म 1913 में हुआ, 1996 में मृत्यु हो गई इनकी। आपको बता दें इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ज्ञानी जैल सिंह, इनका जन्म हुआ था 1916 और 1994 में इनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। फिर आर वेंकट रमन, 1910 में इनका जन्म हुआ, 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका कार्यकाल रहा है जो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। अगले हैं अपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1918 में जन्म हुआ, 1999 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका कार्यकाल जो रहा है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। फिर के आर नारायण, 1920 में इनका जन्म हुआ, 2005 में इनकी मृत्यु हुई। ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2000 तक ये रहे इनका कार्यकाल रहा। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 1931 में इनका जन्म हुआ, 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका कार्यकाल जो रहा है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। फिर श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, जन्म 1934 में हुआ। इनका कार्यकाल जो रहा है 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। फिर आए श्री प्रणव मुखर्जी, 1935 में इनका जन्म हुआ,
इनका कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। फिर हैं श्री रामनाथ कोविंद, 1945 में इनका जन्म हुआ था, और इनका कार्यकाल है जुलाई 2000 25 जुलाई 2017 से अब तक। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित जो हम लोगों ने सही से देख लिया।